कभी अजनबी लगे जिंदगी। तुमने क्यों अहमर ये क्या किया तुमने? मम्मी फहद को क्या हो रहा है? कुछ नहीं होना चाहिए, होश करो ना। आगे खोलो बेटा। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगी। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस मौके पर तो दुश्मन भी आके साथ खड़े हो जाते, हम तो फिर भी रिश्तेदार हैं। जब मैंने सुना तो दौड़े ही चले आए हम यहाँ पे। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये मसले थे अल्लाह ही जानता है। वो हम अहमर से मिलने जा रहे हैं तो ताबीर को मैं वापसी पर छोड़ दूंगी। क्यों अहमर को क्यों परेशान करती हैं? इसमें परेशानी वाली क्या बात है जी? उसके भाई का अफसोस करना है बस। आपने अफसोस कर लिया ना उसकी माँ से, काफी है। फिर भी जी हमारा दामाद है, क्या सोचेगा? मगर आप लोगों को उससे मिलने कौन देगा? उसका बंदोबस्त कर लेंगे जी। आप इसे मत लेकर जाएं। जब से वो हवालात किया है ये उससे मिली नहीं है। अगर इसने वहां कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? ये कोई बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। वो तो मैं जानती हूँ। खैर मैं तो ये चाह रही थी कि आप इस वक्त अहमर के पास मत जाएं। मेरी बात हुई थी उससे, वो सारा दिन रोता रहा है, अब सो रहा होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा आप लोगों के जाने से। क्या तो आप ठीक रही हैं? चले ठीक है फिर, कल चले जाएंगे। अभी इतनी ज्यादा देर तो नहीं हुई है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। इस वक्त इनको हौसले की बहुत जरूरत है। अगर आप लोग जा ही रहे हैं ना तो बराए मेहरबानी इसे भी अपने साथ ही ले जाइए। हम पहले ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और इसका हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा है मैके में कुछ वक्त को साथ लेगी। मैके तो ये सारी उम्र रही है, अब यही इसका घर है और यहाँ की खुशी गमी भी इसी की है। ये आपके घर की बहू है। सब लोग यहाँ जमा है, मैं क्या बताऊं कि कैसी बहू है। बेटियां शुरू शुरू में ससुराल से मानूस नहीं होती, देर लगती। हमारी बेटी बहुत नेक और समझदार है और इंशाल्लाह ये सबका दिल जीत लेगी।